के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 को इंस्टॉल कर लें। अगर किसी को डाउनलोडिंग में मसला आ रहा है या उसके पास इतना पैकेज नहीं है कि वो अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ वर्किंग कर सके, देन मैं प्रेफर करूंगा कि आप किसी भी टाइम कॉलेज में चक्कर लगाएं और यूएसपी लेके आइएगा। यहाँ से आप ऑफिस का कलेक्ट कर लें, ऑफिस का सेटअप, और अपने कंप्यूटर में बिल्ड के मुताबिक जो है उसकी जाकर इंस्टॉलेशन कर लें। सो लेट्स स्टार्ट द वर्किंग जी। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से अपने लेक्चर का आगाज़ किया। जैसे ही आप वर्ड ओपन करेंगे, आपको ये एक स्प्लैश स्क्रीन जो है वो नज़र आएगी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का स्टार्टअप पोर्शन है। इस स्क्रीन के ऊपर आपको माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से जो है वो कंपनी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आपने कुछ प्लगइन इंस्टॉल किए होंगे तो वो भी स्टार्टअप के ऊपर ही लोड होंगे। प्लगइन्स क्या होते हैं आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अब मेरे पास जो स्क्रीन ओपन हुई है वो ये है। अगर आप 12 बजे से पहले अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, इट विल कॉल यू गुड मॉर्निंग। अगर आप दोपहर के टाइम करते हैं तो आफ्टरनून या गुड इवनिंग के नाम से अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम क्लॉक आपको यहाँ मैसेज मिलेगा। ये अब आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्टार्टअप पोर्शन है। यहाँ वर्ड आपसे पूछ रहा है कि आप कोई आप नया डॉक्यूमेंट यानी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं या ऑलरेडी पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट्स को अपने पास ओपन करना चाह रहे हैं। सो व्हाट आई डू, आई हैज़न्ट हैव स्टार्ट एमएस वर्ड। मैंने आज से पहले जो है कोई भी वर्किंग नहीं की है, तो मैं यहाँ से जाकर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा। अगर आपको वर्ड नहीं आता और आपको कोई काम जल्दी जल्दी करना है तो आप इंटरनेट से टेम्पलेट्स भी यूज़ करके वर्कआउट में ला सकते हैं। आप इन पर भी काम कर सकते हैं। ये ऑफिशियल रिक्वायरमेंट को क्विकली परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। इनकी बात भी हम इंशाल्लाह आगे जाके करेंगे। तो अभी हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट वन वाज द वेरी वेरी स्टार्टिंग पोर्शन। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट से अपनी वर्किंग का आगाज़ करता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है ये इस तरह से ओपन हो गया है। अगर आप इसके टॉप पर देखें तो आपको कुछ यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ यहाँ नज़र आ रही हैं, कुछ ये डाटा एरिया है। तो आज लगे हाथों हम इनके स्क्रीन एलिमेंट्स की बात करते जाएंगे। मैं कोशिश करता जाऊँगा कि आप भी मेरे साथ लिखते रहें और मैं भी आपके लिए ये सब चीज़ें यहाँ पे नोट करता जाऊँगा। याद रखिएगा, चीज़ों को उनके नाम से बुलाना, नाम से पता होना ज़रूरी है और आपने प्रॉपर नामिंग से उन्हें बुलाना है। तो सबसे ऊपर जो ये पट्टी नज़र आ रही है बिल्कुल टॉप पर ब्लू कलर की, इसका नाम है टाइटल बार। टाइटल बार आपके पास एक इस तरह की बार है जो आपके टाइटल्स को होल्ड करती है, यानी आपकी फाइल का नाम आपको दिखाती है। अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ, बिकॉज़ वो जूम के जो है जूम की टुगल्ड बार है उसके अंदर आपको वो नज़र आ रहा था कि नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये मेरी ऊपर वाली जो पट्टी है ये टाइटल बार है। इसमें तीन चीज़ें हैं, एक ये वाला हिस्सा है, फिर एक ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला है। तो सबसे पहले मैं सेटर पार्ट की बात करता हूँ। इसमें मेरे पास फाइल नेम है, उसके बाद मेरे पास मेरे सॉफ्टवेयर का नाम है। फाइल नेम इस वक्त आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट वन के नाम से। याद रखिएगा, आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करेंगे, आपको जो सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखा हुआ नज़र आएगा वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का डिफ़ॉल्ट वर्ड डिफ़ॉल्ट नेम होगा, जो कि मेरे पास डॉक्यूमेंट वन है। उसके बाद मेरे सॉफ्टवेयर का नाम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अगर आप थोड़ा सा मज़ीद जाएँ तो इसके लेफ्ट और राइट पर भी कुछ चीज़ें। तो पहले राइट सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो राइट सेक्शन पे जो चीज़ मेरे पास आती है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा ही कर लेता हूँ। राइट सेक्शन पे ये जो चीज़ नज़र आती है, ये पुराने सॉफ्टवेयर्स के अंदर तो सिर्फ सिंगल साइड हुआ करती थी, यानी सिंगल हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें आपके पास तीन चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं, यानी थ्री थिंग्स हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर वन, आपके पास जो चीज़ आती है वो आपकी है कंट्रोल बटन्स। BTNS लिखेंगे हम इसके लिए। कंट्रोल बटन्स में क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड रीस्लो डाउन के बटन्स जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आते हैं, या आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्लोज, रीस्लो डाउन और मिनिमाइज के नाम से आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। अगर आप अपने इस इंटरफेस को रीस्टोर डाउन करना चाहते हैं तो देखें ये रीस्टोर डाउन हो गए।
अब आपको यहाँ पर जो नाम नजर आएगा वो मैक्सिमाइज लिखा हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब ये आपको कहेगा कि आप अपने सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो मैं इस बटन को दबाता हूँ तो मेरे पास मेरी स्क्रीन जो है वो मैक्सिमाइज होकर मुझे नज़र आना शुरू होगी। उसके बाद अगली ऑप्शन की बात करते हैं, तो वो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस हैं। रिबन किसको कहा जाता है? बेसिकली ऑफिस 2007 और उसके बाद के तमाम वर्जन में आपको ये टॉप पर एक पट्टी नज़र आ रही है। इस पट्टी को जो आपको टॉप पे नज़र आ रही है, मैं कंट्रोल प्लस F1 दबाकर शो या हाइड कर सकता हूँ। तो मैं करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैंने कंट्रोल प्लस F1 किया तो आपके पास ये जो ऊपर पट्टी नज़र आ रही है ये आपका रिबन है, जो आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देता है। आप इसे यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, यानी कंट्रोल प्लस F1 दबाकर आप अपने इस रिबन को एट द वेरी टॉप देख सकते हैं। याद रहे, अगर आपके पास ये रिबन नज़र नहीं आ रहा तो आप इन्हें टैब्स कहते हैं, मैं ज़रा अभी बाद में आपको बताता हूँ इन्हें टैब्स कहते हैं, आप डबल क्लिक करें ऑन टैब्स तो आप इसे परमानेंटली शो या हाइड कर सकते हैं, जबकि सिंगल क्लिक से आप इसको सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करने के लिए परफॉर्म करेंगे, यानी वन टाइम यूज़, जबकि डबल क्लिक सेटिंग एट टॉप आपके पास ऊपरेगा। देखिएगा कंट्रोल F1 ये हाइड शो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा कि रिबन मैं किस एरिया को कहता हूँ, और अगर मैं उसके बाद देखूँ कि ये मेरे पास बंद है रिबन और मैंने इसको लिख के आना है, तो जस्ट गो देयर टू एनी टैब, आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपका रिबन अपीयर होगा, बाहर क्लिक करेंगे नहीं, आप यूज़ कर लिया तो ख़त्म हो जाएगा। सो यू विल जस्ट क्लिक ऑन एनी टैब एंड यू विल सी कि उसकी तमाम ऑप्शंस जो हैं वो आपको नज़र आ जाती हैं। तो ये मेरा रिबन डिस्प्ले एरिया है, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। देखें, शो टैब्स एंड रिबन एंड हाइड ऑल, यहाँ देखें अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। एट द वेरी टॉप जो आपके पास रिबन और सब कुछ आ रहा था वो ख़त्म हो चुका है। वो दूसरी बात है कि आप यहाँ जाएंगे क्लिक करेंगे तो अपीयर हो जाएगा, बाहर क्लिक करेंगे गायब हो जाएगा। बट अगर आप इसी चीज़ को परमानेंटली देखना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर क्लिक करें और रिबन में शो टैब्स एंड कमांड्स पर क्लिक कर दें ताकि ये आपके पास ऊपर आपको नजर आते हैं। तीसरी चीज की बात करते हैं, वो है आपकी अकाउंट इंफॉर्मेशन। अभी जो लिंक मैंने आपको सेंड किया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि जहाँ हमने बात की है कि अभी मैंने YouTube पे आपको इंस्टॉलेशन लिंक दिया है। जब आप पूरे ऑफिस की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे या आपकी इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म हो जाएगा या वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो आपने ये करना है कि आपने कहना है कि जब इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपने ये करना है कि आपने उसको एक्टिवेट करना है, यानी ऑफिस आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसमें KMS टूल्स हैं, मैं आपको उसका लिंक भी मैंने आपको वहीं पे सेंड किया है। इंस्टॉलेशन मेथड के बाद मैंने एक्टिवेशन मेथड जो है वो भी बताया है। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन जो आती है नज़र, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है कि आपने अपने ऑफिस को एक्टिवेट भी करना है। तो KMS टूल से जब आप एक्टिवेट करेंगे तो आपके लॉगिन के अगेंस्ट आपका ये पोर्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। याद रखिएगा ये फ्री नहीं होता, इसके लिए पैसे होते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग, माइक्रोसॉफ्ट ने ये फैसिलिटी दी है कि आप किसी भी ईमेल एड्रेस पर एक साल के लिए फ्रीली जो है वो ऑफिस टूल्स जो है वो एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पर जाकर अपना लॉगिन दीजिएगा तो जो भी आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होगी वो इस तरह से एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप उसको बाद में जाकर ऑफिस यूजर्स के हवाले से देखना चाहते हैं तो फाइल के मेन्यू में आपको अकाउंट के अंदर इसकी ऑप्शन भी नज़र आती हैं, आप यहाँ से जाके इसे स्विच कर सकते हैं।
एंड इफ़ यू वांट टू चेंज योर मैनेजमेंट सेटिंग्स, एडवांस वर्ड ऑप्शन में जाकर इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये क्या है। तो ये मेरे पास यहाँ आ जाता है, अगर आप इसको स्विच करना चाह रहे हैं साइन आउट कर दें, अगर आप किसी और अकाउंट को यहाँ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने atharlectures@outlook.com पर इसको कनेक्ट किया हुआ है और उसके थ्रू मैं इसको वर्कआउट में लेके आ रहा हूँ। आगे की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट आपके पास लेफ्ट साइड की बात करते हैं, तो इसी पट्टी के लेफ्ट के ऊपर यानी ये सेंटर में थे ये रिबन और ये भी आपके पास राइट पर आ गए हैं कंट्रोल बटन्स। जबकि जो तीसरी चीज़ है वो आपके पास आती है कहाँ पर, वो आपको नज़र आती है किस साइड पर, लेफ्ट साइड पर। तो लेफ्ट मोस्ट एरिया आपका क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। क्विक एक्सेस टूल बार बेसिकली मुख्तलिफ टूल्स को क्विकली एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। आपके पास इतने नहीं आ रहे होंगे, आपके पास इज समथिंग लाइक आई थिंक सुसेव आपके पास आ रहा होगा और ओपन न्यू समथिंग इस तरह से आ रहा होगा। आप यहाँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को लेके आ सकते हैं, उन्हें यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। मैं इस पट्टी को बिलो द रिबन शो करना चाहता हूँ तो मैंने शो बिलो द रिबन पर क्लिक किया। अब आपकी ये जो पट्टी है ये यहाँ बॉटम के ऊपर जो है ये अवेलेबल हो गई है, आपका ये टाइटल बार में से ख़त्म हो गई है। बट अब ये क्योंकि मेरी स्पेस कंज्यूम कर रही है तो आई डोंट लव दिस वन, सो आई जस्ट से कि आप इसे शो अबाउट द रिबन क्लिक करें। याद रखिएगा आप इस पट्टी पर मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। मोर कमांड्स पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितनी भी कमांड्स हैं ऑल कमांड्स में जाकर आप यहाँ से बहुत सारी कमांड जो हैं वो देख सकते हैं और सब आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। मसलन अगर मैं रिसर्च की ऑप्शन ऑन करना चाहता हूँ सो यू जस्ट गो देयर एंड प्रेस ऐड। सो ये आपके पास जहाँ पर भी आप इसे ऐड करना चाहें आप इसे ऐड कर सकते हैं, बट वी आर नॉट स्टडी दिस एट दैट टाइम सो आई जस्ट कैंसिल इट आउट। मैंने इसको कैंसिल कर दिया और लेकिन मैंने ये कहा कि जो ऊपर मुझे पट्टी नज़र आती है दैट बार इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। ये मेरे पास क्विक एक्सेस टूल बार के तौर पर जो है वो अभी जो है मेरे पास डील होती है या मैं इसे यहाँ पर देख सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो आती है वो आपके पास है फाइल मेन्यू से रिलेटेड। तो फाइल मेन्यू से रिलेटेड न्यू ओपन सेव क्लोज सेव एज ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ फाइल के मेन्यू में नज़र आती है। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम इन चीज़ों को भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ हमारे पास जो वर्किंग है वो किस तरह से है या हमने किस तरह से अपना वर्कआउट जो है वो परफॉर्म करना है। ओके जी दैट्स अ लास्ट वार्निंग फॉर हवावे। ठीक है नेक्स्ट हमारे पास जो वर्किंग आती है वो थोड़ा सा नीचे आते हैं। इस ऊपर वाली पट्टी के बाद नीचे हमारे पास फाइल मेन्यू आ गया, जैसा कि अभी हमने देखा कि फाइल मेन्यू इज यूज्ड फॉर फाइल्स ऐड करने के लिए, नहीं ओपन न्यू क्लोज सेव सेव एज डिफरेंट ऑप्शंस के लिए फाइल को यूज़ किया जाता है, यानी फाइल मेन्यू को यूज़ किया जाता है। ऐड फाइल ऑप्शंस टू आर डॉक्यूमेंट, ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है होम इंसर्ट, जब मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ तो रिबन में मुझे चीज़ें चेंज होती नज़र आती हैं। याद रखिएगा ऑफिस के पुराने वर्जन में यहाँ आपको 7 टैब्स नज़र आएंगे, अब आपके पास जो है वो टैब्स की तादाद थोड़ी ज़्यादा हो गई है क्योंकि कुछ क्लासेस आपसे आगे हैं वो आपके सीनियर्स हैं। सो मैंने यहाँ पर कुछ कस्टमाइजेशन परफॉर्म की हुई है तो आई जस्ट रीसेट ऑल, जैसे आपको नज़र आएगा हम इसे उस प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। तो अब आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टैब्स जो हैं वो स्टैंडर्ड नज़र आते हैं, जबकि 9th टैब जो है ये आपका हेल्प टैब होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हेल्प के लिए प्रोवाइड करती है। पुराने वर्जन में आपको ये 7 और 8 के कम्बिनेशन में जो है वो मिलते थे, अब आपके पास ये 9 नज़र आते हैं, इन्हें हम टैब्स कहते हैं। टैब्स क्या करते हैं, होल्ड्स डिफरेंट ऑप्शंस शोन इन रिबन। जो रिबन में आपके पास ऑप्शंस नज़र आती हैं वो आपके इस टैब एरिया में आपको दिखाई देती हैं। थोड़ा सा आगे मूव करें तो आपके पास एक ऑप्शन है जो कि 2013 और उसके बाद के तमाम वर्जन्स में आपको नज़र आएगी, ये ऑप्शन कहलाती है सर्च ऑप्शन। सर्च ऑप्शन क्या है,
सर्च ऑप्शन बेसिकली हम यूज करेंगे किसी भी कमांड को सर्च करने के लिए। याद रहे कि पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि मैं कमांड किस चीज को कह रहा हूं। तो आपने होम पे क्लिक किया, होम पे क्लिक करने पर नीचे रिबन में आपको ये पोर्शन नजर आया, तो रिबन में ये जो एक डब्बा सा बना हुआ है, इस डब्बे को हम कहते हैं ग्रुप, ग्रुप है। अब ग्रुप के अंदर आपके पास ये जो ऑप्शन है ये आपकी कमांड्स कहलाती हैं। यानी हमने कहा कि हमारे पास टैब्स के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, और फिर ग्रुप्स के अंदर क्या होता है कि ग्रुप्स के अंदर आपके पास ऑप्शंस होती हैं, और फिर आप फर्दर ऑप्शंस जो भी डील करना चाहें किसी भी ऑप्शन को यूज करने के लिए आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मसलन अब इन ऑप्शन में से मुझे किसी ऑप्शन का नाम पता है, मसलन मुझे यहाँ पर इस ऑप्शन का नाम है अलाइन लेफ्ट, मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर अलाइन लेफ्ट जो है वो मुझे लिखा हुआ नज़र आ रहा है और उसकी डिस्क्रिप्शन भी नज़र आ रही है। मैं फाइल में जाता हूँ, ऑप्शंस में जाता हूँ, ऑप्शंस में यहाँ पे आपको नज़र आता है स्क्रीन टिप स्टाइल। यहाँ पे स्क्रीन टिप स्टाइल पे आप क्लिक करें तो ये क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, देखें लिखा हुआ है शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप। आप इस पर क्लिक करते हैं, आप कहते हैं डोंट शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप, आप ओके करते हैं। जब मैं दोबारा इस ऑप्शन पे गया हूँ जिसमें पहले गया था, वहां पर अब मुझे सिर्फ ऑप्शन का नाम और उसकी शॉर्टकट की नजर आ रही है, उसकी डिस्क्रिप्शन नजर नहीं आ रही। आप क्योंकि अभी बिगिनर्स हैं सो यू जस्ट गो टू द फाइल मेन्यू, गो टू ऑप्शंस एंड देन यू हैव टू ऑन दिस ऑप्शन कॉल्ड स्क्रीन टिप स्टाइल शो फीचर डिस्क्रिप्शन, ताकि आप उसे पढ़ सकें कि ये ऑप्शन क्या करती है। बट आई एम फुली एक्सपर्ट इन दिस, और अगर मैं किसी ऑफिस में आऊँ तो आई जस्ट गो देयर एंड सेट डोंट शो फीचर डिस्क्रिप्शन, सो आई जस्ट प्रेस ओके। सो जब मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ तो आप देखें कि आपके पास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, टिप ही नज़र नहीं आ रही। सो आई डोंट सेट दिस वन, आई ऑलवेज प्रेफर दैट यू हैव टू गो एंड चूज द वेरी फर्स्ट ऑप्शन कॉल्ड शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन द स्क्रीन टिप। आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आपने ओके कर दिया। जैसे ही आपने ओके किया, अब आप पॉइंटर लेके आते हैं ऑप्शन पे, तो काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल आपको नज़र आती है, इंशाल्लाह इसकी बात करेंगे। लेकिन अभी मुझे इस ऑप्शन को ढूंढना है कि ये कहाँ होती है। सपोज मेरे पास ये ऑप्शन ख़त्म हो गई है, आई गो टू टेल मी वट यू वॉन्ट टू डू, मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ जाकर उसी कमांड का नाम लिखता हूँ जो मेरे पास मुझे ऑप्शन में नज़र आ रही थी। तो आई जस्ट टाइप अलाइन and then you will see that we have option called align objects, align left, align center and then align right. So we have all these option available. यहाँ से आपको जो भी option चाहिए थी आप उस पर क्लिक कर लेते हैं तो वो आपकी align left की option आ जाती है। Just select it out, मैं इसको select करता हूँ and said align center. So I just click on this, so you will see कि मैं ऑप्शन का नाम लिखकर भी उसकी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। आई ऑलरेडी गिव यू सम शॉर्टकट कीज, मैंने आपको पूरी अल्फाबेटिक लिस्ट प्रोवाइड की थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी अल्फाबेटिक लिस्ट से ही वर्किंग करते हुए जो है वो अपनी शॉर्टकट कीज को डील करेंगे और इम्प्लीमेंट करके देखेंगे या प्रैक्टिकल करके देखेंगे। बट अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर क्लिक किया एंड आई गो एंड सर्च फॉर ऑप्शन कॉल्ड व्हाट अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइन राइट और एनी वन, जो भी आपको चाहिए आप जस्ट यहाँ पर टाइप करें। आप यहाँ पर कह दें इलस्ट्रेशन, तो जैसे आप यहाँ पर इलस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो इलस्ट्रेशन ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पर इलस्ट्रेशन में जो भी चीज़ देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं तो ऑफिस 365 में ये ऑप्शन आपको मिलती है। अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास यहाँ पर अथर लेक्चर्स का अकाउंट है, आप ऊपर देख सकते हैं। अब इस यूज़र, ये यूज़र इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्लाउड पर मौजूद है, तो ये यूज़र अगर अपनी कोई भी फाइल या उसका राइट किसी के साथ शेयर करना चाहता है तो वो यहाँ शेयर पर क्लिक करेगा। याद रखिएगा हम चाहें तो अपनी फाइल को सेव करते हैं, पहले सेव करना सीख लेते हैं फिर इसकी तरफ वापस आते हैं। मैंने क्लिक किया फाइल पर और यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक किया। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे आपको सेव एज का बॉक्स आएगा। सेव और सेव एज में फ़र्क ये है कि सेव करंट तब्दीलियों, फाइल में मौजूद करंट तब्दीलियों को सेव करता है, जबकि सेव एज किसी भी फाइल का नया नाम रखने के लिए, मसलन डेस्कटॉप पे उसकी लोकेशन बताने के लिए। मैंने कहा मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ टाइटल बार के नाम से, ये इसका नाम है, नया नाम नई लोकेशन,
और अगर आप इसको एक दफा सेव कर लेते हैं तो दोबारा से सेव करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा ऑफिस 2016 और उसके बाद के वर्जन में आप जब भी किसी चीज को सेव करने के लिए जाएंगे या सेव एज करने के लिए जाएंगे, सेव कंट्रोल एस से होता है, सेव एज F12 से होता है, तो ये आपको हमेशा आपकी वन ड्राइव पर लेके जाएगा। वन ड्राइव का मतलब है कि ये आपको कह रहा है कि आप अपनी फाइल को क्लाउड पर सेव करें। तो अगर आपने अपनी फाइल को अपने ईमेल एड्रेस के साथ अटैच सेव किया है, दिस सेव टू क्लाउड, मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ, मैंने क्योंकि इसको वन ड्राइव ऑफ की हुई है, अगर मैं यहाँ वन ड्राइव ऑन करूंगा तो मेरे पास वो इस तरह से कुछ आ जाएगी, वन ड्राइव, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस ऐप, जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगी। अब आप इस पर क्लिक करके अपने वन ड्राइव की लोकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब मेरी वन ड्राइव जो है वो ओपन हो चुकी है, मैंने ऑलरेडी वन ड्राइव बनाई हुई है। हर वो पर्सन जिसने विंडोज 10 अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल की होगी उसके पास ये वन ड्राइव अवेलेबल होगी। और देखिए अब ये मेरी फाइलें ऑटोमेटिकली अपडेट होने जा रही हैं। अब मैं इन्हें अपलोड नहीं करना चाहता, जस्ट वॉन्ट टू सेव माई दिस फाइल। अगर आप इसको सेव करना चाहें तो वो आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं, बट आई डोंट वॉन्ट टू सेव, सो आई जस्ट क्लोज दिस। अगर मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद याद रखिएगा नेट अच्छा होना चाहिए, सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाएगी। आपने इसको क्लाउड पे सेव किया, मैं इसे कहता हूँ वन ड्राइव पे मैं जाता हूँ और वन ड्राइव डॉक्यूमेंट में जाकर मैं इसको टाइटल बार के नाम से सेव कर देता हूँ। सो आई जस्ट प्रेस सेव, ये मेरी फाइल जो है ये अब क्लाउड पर सेव हो रही है, यानी अब ये मेरी फाइल जो है ये इंटरनेट पे सेव हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि इसके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो आ गए हैं, यानी आप इसे किन लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं इसे athar_sayed@hotmail.com के साथ सेव करना चाहता हूँ। तो आपने वहाँ उसके क्रेडेंशियल्स डाले, कैंडिडेट क्या वो इसमें तब्दीलियाँ कर सके, वो चेंजिंग कर सके, क्या क्या इंप्लीमेंट कर सके, वो आप सारी चीज़ें यहाँ से परफॉर्म कर देंगे। ये कौन है, इसकी इंफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट के पास मौजूद है कि नहीं है, आप ओके करेंगे तो आपका जो डाटा है वो आपके पास जो है वो आ जाएगा। आप उसके साथ इस अपनी सारी इंफॉर्मेशन को शेयर कर दें। जैसे आप शेयर करेंगे, Athar Sayed Athar Ali Bukhari मेरा दूसरा ईमेल एड्रेस है, इसके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी और यहाँ पर वो मुझे अपनी फाइल को एडिट करने की राइट भी मैंने उसको प्रोवाइड किया है, कैन एडिट, वो एडिट भी कर सकता है। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू चेक के नहीं, वो एडिट नहीं कर सकता, लाइक athar_lectures@gmail.com मैं ये क्रेडेंशियल्स एंटर करता हूँ। अब की दफ़ा इसके क्रेडेंशियल्स ऐड करने के बाद मैंने ओके किया। अब आप देखें तो कैन एडिट, आप इसे बता दें कैन व्यू, अगर आप कैन व्यू करेंगे तो वो सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को देख सकता है। मैं कहता हूँ आई फाउंड प्रॉब्लम इन दिस फाइल, हाउ आई अलाइन माई ऑब्जेक्ट्स। अब मैंने उससे ही सवाल पूछा है, सो आई कैन गो एंड शेयर, मैं ये फाइल ईमेल कर रहा हूँ। अब ये ऑटोमेटिकली उस पर्सन को ईमेल हो जाएगी और वो मुझे बता सकता है, सिर्फ देखकर ये बताएगा, वो चेंजिंग नहीं कर सकता। जबकि जो ऊपर वाला पर्सन था, दैट वन हैव द राइट्स टू एडिट। तो याद रखिएगा जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, वो कहता है ऑटोमेटिकली शेयर चेंजेस, वो चेंजेस शेयर कर दे या आपको मैसेज भी दे। मैंने इसको नेवर पे रखना है कि इस फाइल का मैसेज मुझे नहीं आना चाहिए, अदरवाइज आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मैसेज आता रहेगा कि उसने इस फाइल में चेंजिंग की करने लगा है, या वो इस फाइल को देख रहा है, या इसका राइट मांग रहा है। तो इनके ईमेल जो है वो आपके ईमेल एड्रेस में जो है वो आते जाएंगे। याद रखिएगा मल्टीनेशनल कंपनीज में ये ऑप्शन जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, बिकॉज वो अपना तमाम तर वर्क जो है अब शेयर स्पेस पे रखते हैं, यानी क्लाउड स्पेसिंग पे रखी जाती है। अब बहुत सी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं, गूगल ही नहीं, बल्कि इसके अलावा और थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज ऐसी हैं जो अपने क्लाउड्स प्रोवाइड कर रही हैं और वो क्लाउड सर्विसेज जो हैं वो देती हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसको अपने दूसरे दो ईमेल एड्रेस बनाकर उसके साथ शेयर करके ज़रूर देखेंगे कि आपकी फाइल में होने वाली तब्दीलियाँ जो हैं वो किस तरह से परफॉर्म होती हैं। तो ये था जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऊपर वाला हिस्सा, यानी अभी हमने हेडर एरिया को डिफाइन किया कि हेडर एरिया में कौन कौन सी चीज़ें थी, ये हमने यहाँ पर डिफाइन की। अब मैं नीचे वाले हिस्से की तरफ आता हूँ, तो नीचे वाले हिस्से के अंदर ये रिबन है, मैंने अभी आपको बोला रिबन में ये लाइनें लगी हैं, ये ग्रुप्स हैं, हर लाइन में ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस कहलाती हैं। जबकि यहाँ देखा जाए तो आपके पास फर्दर वर्किंग जो है वो आपको कुछ इस तरह से मिलती है।
देन आपके पास रूलर नज़र आता है, रूलर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, इसकी मदद से हम चीज़ों को मेजर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप देख सकें कि आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट जब किया जाएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक विड्थ कितनी होगी, तो याद रखिएगा ये आपका लाइव एरिया है जो तकरीबन 6.25 तक आपको नज़र आ रहा है, जबकि 1 इंच आपके पास यहाँ मार्जिन है और तकरीबन 1 इंच का मार्जिन इधर है, तो तकरीबन 8.27 बाय 11.69 का पेज है। क्योंकि मुझे पता है मैंने ये पेज यहाँ से सेट किया हुआ है, लेकिन अगर आप इसे अपने रूलर से मेजर करना चाहें तो वो आप मेजर कर सकते हैं। अगर आप अपना विजिटिंग कार्ड या कोई फोल्डर मेजरमेंट से बनाना चाह रहे हैं या कोई भी ड्राइंग या कोई इलस्ट्रेशन एंटर करना चाह रहे हैं तो ये भी आप जो है वो मेजरमेंट के साथ परफॉर्म करते हैं, तो रूलर इज़ यूज फॉर दैट। अब कुछ लोगों का सवाल ये आता है कि सर आपने हमें बता दिया कि यहाँ हमारे पास रूलर की ऑप्शन है, तो रूलर ऑप्शन जो हमारे पास आती है या जो यहाँ पर हमें दिखाई देती है, इस रूलर ऑप्शन के अंदर अगर मेरे पास ये नहीं आ रही तो फिर क्या करेंगे, तो एक शॉर्टकट की है Alt+V+L, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसको, Alt+V+L। आप ये शॉर्टकट की जो है वो अपने पास यूज़ करके रूलर को शो हाइड कर सकते हैं। याद रहे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देखने से रिलेटेड तो वो आपको व्यू के टैब में मिलेगी, याद नहीं करना कि इसमें क्या है इसमें क्या है इसमें, जस्ट व्यू देखने से रिलेटेड है। अगर किसी चीज़ का रिव्यू व्यू देख लेते हैं, देखिए रूलर आ गया तो रूलर में शो आउट कर सकता हूँ, अगर आप इसको ड्राइंग चार्ट्स की शक्ल में देखना चाहें, ग्राफ्स की शक्ल में, ग्रिड लाइन ऑन कर लें, यू कैन ऐड डिफरेंट नेविगेशन पैन्स, सो व्यू की मदद से हम ये सब चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। रिव्यू डॉक्यूमेंट का रिव्यू करता है, मेलिंग मेल के लिए है, रेफरेंस में आपको रेफरेंसेज मिलते हैं, लेआउट्स आ जाते हैं, डिज़ाइंस हैं, इंसर्ट कुछ चीज़ इंसर्ट करने के लिए, होम आपकी बेसिक ऑप्शन आपको इस पर मिलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको याद नहीं करने बल्कि इन बेसिक ऑप्शंस को डील करना है, 2-4-5 दफ़ा जब आप इन्हें यूज़ करेंगे या यूटिलाइज करेंगे तो आप इन ऑप्शंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आएगी वो आपके पास है रूलर के फौरन बाद, दरमियान में वाइट कलर का हिस्सा आपको नज़र आता है, तो जो वाइट कलर का हिस्सा आपको नज़र आता है इसे हम पेज कहते हैं। तो पेज क्या है, ये मेरा वर्किंग एरिया होता है, वर्किंग एरिया ऑफ MS Word इज कॉल्ड पेज, इस हिस्से को पेज कहा जाता है। ये डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो लिखने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, पेज के ऊपर आप अपना काम करते हैं। मैं यहाँ जहाँ लिख रहा हूँ ये हिस्सा भी मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज कहलाता है। अगर बॉटम की बात की जाए तो सबसे नीचे ये जो पोर्शन मुझे नज़र आता है दैट बार इज कॉल्ड स्टेटस बार, जैसा कि आपको पता है किसी को इसे पूछते हैं हाँ भाई तुम्हारा क्या स्टेटस है या तुमने अपने व्हाट्सएप पे क्या स्टेटस लगाया है, तो एक ऐसी पट्टी जो इस फाइल का स्टेटस शो करेगी दैट बार इज कॉल्ड स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या है, पेज इन्फो है, आपके पास पेज की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कितने पेजेस हैं, ये बाद वाली ऑप्शन बताती है कितने पेजेस हैं, जबकि ये पहले वाली ऑप्शन बताती है कि आप इस वक्त कौन से पेज पे हैं। देन आपके पास जो ऑप्शन है वो है वर्ड काउंट की, आपको बताया जाता है आपके डॉक्यूमेंट की स्टेटिस्टिक्स क्या हैं, इसमें कितने वर्ड हैं, कितने पेजेस हैं, कितने करेक्टर्स हैं, कितने करेक्टर विद स्पेसेस हैं। मैं चाहता हूं कि आप खुद इसको एक्सप्लोर करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा सा आगे मूव करें तो देखें इस वक्त मुझे स्पेल एंड ग्रामर की ऑप्शन मिल रही है, इस ऑप्शन को प्रूफिंग कहा जाता है। जिस तरह कोई किताब लिखी जाती है तो उस किताब में से गलतियां निकालने वाला पर्सन जो है वो उसके बारे में जो है वो वर्किंग करता है, इम्प्लीमेंट करता है, बताता है कि कहाँ कहाँ मिस्टेक है, मुझे ये ऑप्शन बताती है। अगर आप गौर से देखें तो इस वक्त इसके ऊपर क्रॉस का निशान आपको नज़र आता है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आपको ग्रामर के अंदर वो बता रहा है कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग, आपको वन टाइम के लिए डैश लगानी है। सो हेयर वी सेट के MS है तो मैं इसको बड़े MS यानी माइक्रोसॉफ्ट की ये एब्रीवेशन थी उसके साथ रिप्लेस करता हूँ, एंड यू विल सी दैट द स्पेल एंड ग्रामर ऑप्शन विल बी कम्प्लीटेड वेन एवर आई गो एंड प्रेस ओके, सो यू विल सी इट विल यूज अ पेंसिल साइन एंड आफ्टर दैट इट विल सेट अ टिक मार्क हियर, सो यू विल सी कि अब आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो है कोई किसी किस्म का प्रूफिंग एरर नज़र नहीं आ रहा। आगे चलें तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स हैं जो इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप अपने कंप्यूटर की स्टैंडर्ड लैंग्वेज बदलना चाहते हैं किसी और ज़ुबान के साथ तो वो आप यहाँ से जाके बदल सकते हैं। याद रखिएगा जिन ऑप्शन से पहले आपको ये टिक नज़र आता है और उससे पहले ये ABCs के ऊपर लिखा हुआ है, ये वो लैंग्वेजेस हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर इस वक्त इंस्टॉल हैं। आप इन लैंग्वेजेस को अपने पास जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई भी लैंग्वेज जो है वो अपने पास ऐड करते हैं या आप अपने पास जो है वो इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास उसके पहले उसकी ग्रामर ऐड होनी चाहिए। अभी मैं अगर ओके करूँगा तो ये इंटरनेट पर एक डाउनलोडिंग पैकेज में चला जाएगा और वहाँ से जाकर मुझे मेरे कंप्यूटर में उर्दू पाकिस्तान की लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट करने लग पड़ेगा।
करेगा। मैंने इससे रिलेटेड कुछ और किया हुआ है कि मैंने अपनी विंडो को बेसिकली मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट के अंदर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से विंडो की ऑप्शन चेंज करके इसकी इंग्लिश या उर्दू में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अभी फिलहाल हम इन चीज़ों की बात नहीं कर रहे, लेकिन अभी हमने कहा है कि आप यहाँ से कोई भी लैंग्वेज जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो लैंग्वेज इस वक्त इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यूज़ हो रही है। मैक्रोस रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा यहाँ स्टेटस बार पे खाली जगह नज़र आ रही है, अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको और भी बहुत कुछ नज़र आता है। सो यू कैन सी डिफरेंट ऑप्शंस लाइक कैप लॉक ऑन है कि नहीं, ओवर टाइपिंग की ऑप्शन ऑन है कि नहीं, सिलेक्शन हो रही है कि नहीं, तो ये तमाम ऑप्शंस जो हैं ये आपको यहाँ पे नज़र आती हैं, आप इन्हें यहाँ पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं पेज व्यूज़ हैं, और पेज के व्यू के हवाले से सेटिंग्स जो हैं वो आपको यहाँ मिलती हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसे किताब की तरह पढ़ना चाहते हैं तो आप देखें ये आपको एक बुक की तरह मिल गया है। अगर आप इसको नॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह देखना चाह रहे हैं, जैसा कि हम पेज लेआउट में देखते हैं वो आ रहा है, इस तरह से वेब लेआउट में भी देखा जा सकता है। आप इसे दूर करके यानी जूम आउट करके देख सकते हैं, और आप इसे प्लस दबाकर जूम इन करके देख सकते हैं। जूम सीक बार से आप इन चीज़ों को क्विकली जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, या उनके हवाले से वर्किंग जो है वो क्विकली जो है वो सुन सकते हैं, या उनके ऊपर वर्किंग जो है वो डील कर सकते हैं। मैंने यहाँ जूम पे क्लिक किया, मेरे पास यहाँ डिफरेंट जूमिंग ऑप्शंस आ रही हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इसे देखेंगे और हम पेज विड्थ पे क्लिक करके ओके करके अपनी वर्किंग को परफॉर्म करेंगे। याद रखिएगा आप अपने पेज को बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं, या आपका पेज स्ट्रेचर है आप यहाँ से पेज बड़ा या छोटा करके भी देख सकते हैं। सो दीज ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू। आज के लिए इतना ही जी।